सलमान खान अपनी फिल्म सिकंदर की शूटिंग कर रहे हैं। जुड़वा और किक जैसी फिल्में बना चुके साजिद नडियाडवाला इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहीं एआर मुर्गदास फिल्म के डायरेक्टर हैं। फिलहाल फिल्म की शूटिंग चल रही है। इस बीच फिल्म की कहानी को लेकर एक अपडेट आया है। बॉलीवुड हंगामा में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में सलमान एक सोशल रैकेट के खिलाफ लड़ेंगे। मेकर चाहते हैं कि उन्हें एंग्री यंग मैन की तरह दिखाया जाए। रिपोर्ट में कोट किए गए सोर्स ने बताया कि सिकंदर ताकत का प्रतीक है और सलमान खान अपनी इसी ताकत के बल पर समाज में मौजूद एक रैकेट को उखाड़ कर बाहर कर देंगे। फिल्म का प्लॉट ऐसा है जिसने सभी का दिल छू लिया और मेकर्स को यकीन है कि दर्शक फिल्म की कहानी देखकर भावुक हो जाएंगे। सलमान और साजिद नडियाडवाला की पिछली फिल्मों से इतर सिकंदर में एक मजबूत सोशल मैसेज के साथ भरपूर ड्रामा और इमोशन है। बताया जा रहा है कि फिल्म में सलमान सही के लिए लड़ेंगे। इससे पहले भी उन्होंने इस तरह की फिल्में की हैं जहां पर वो समाज की कुरीतियों या भ्रष्टाचार से आमने सामने हुए हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार वो पहले से ज्यादा बड़े मुद्दे के लिए लड़ने वाले हैं। मेकर्स का प्लान है कि सलमान को एंग्री यंग मैन की तरह पेश किया जाए, एक ऐसा इंसान जो लोगों के हक के लिए लड़ता है। आपको बता दें कि सलमान के पिता सलीम खान और जावेद अख्तर हिंदी सिनेमा में एंग्री यंग मैन के जनक हैं। 70 के दशक में जंजीर, दीवार, त्रिशूल और काला पत्थर जैसी फिल्मों के केंद्र में यही एंग्री यंग मैन रहा था। ये एक ऐसा आदमी था जिसके साथ कुछ गलत हुआ और बस उसे अब अपना हिसाब चुकाना है। अमिताभ बच्चन ने इन किरदारों के रोल किए और इसी इमेज ने उन्हें सुपरस्टार बनाया था। सलीम जावेद मानते हैं कि ये किरदार लिखते समय उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था कि इसे ऐसे पढ़ा जाएगा, लेकिन समय के साथ एंग्री यंग मैन जनता के गुस्से का प्रतीक बन गया। बाकी सिकंदर की बात करें तो फिल्म के पहले शेड्यूल की शूटिंग पूरी हो चुकी है। उसके बाद अगस्त के अंत में दूसरे शेड्यूल की शुरुआत की गई है। एआर मुर्गदास का प्लान था कि पहले सभी एक्शन सीक्वेंस एक साथ शूट कर लिए जाएं। बताया जा रहा है कि सिकंदर के दूसरे शेड्यूल के लिए 10,000 गोलियां मंगवाई गई थी। पहले शेड्यूल में प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में एक सीक्वेंस को शूट किया गया था। इसमें विलन के बेटे के साथ सलमान हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट करते हुए नजर आए थे। सिकंदर ईद 2025 पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी यमन। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।